चंडीगढ़ के सैक्टर 26 की अनाज मंडी की हालत दिनों दिन बद तो बदतर होंगी जा रही है, पर प्रशासन और मार्केट कमेटी के लोग कुंभकर्ण की नींद सुते पे दिख रहे हैं। दरअसल इस मंडी च ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली तो लोग सब्जी खरीदन आते हैं और सारे विक्रेता भी इतनी सब्जी खरीद के दूजे सैक्टर वेचते हैं, पर यह मंडी हुण बीमारियों नूं सद्दा दे रही है। इत्थे आउण वाले लोग किसी भी समय किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि चारे पासे गंदगी और सीवरेज जाम कारण मंडी की हालत माड़ी हो गई है। बाजार च जिधर भी नज़र मारो तुहानूं गंदगी दे ढेर नज़र आउणगे। इस तो पहला मंडी विच रोजाना सफाई की जाती सी, सफाई कर्मचारी भी आप सफाई करते देखे जाते सन। अजकल मंडी विच सफाई का सब तो माड़ा हाल है। आ रहा है, इतना पानी रुका पड़ता है, सारा गटर का पानी बाहर आता है, स्मेल सारे दिन रहती है, बदबू आ जाती है और बीमारी फैलने का डर रहता है यहाँ पे। पर कोई पूछने वाला नहीं है इनको, लगे ना गवर्नमेंट को डंपिंग ग्राउंड बना रखा है इधर, सारा कूड़ा ले आके इधर गिरते हैं, फिर सवेरे तकते हैं दो दिन बाद उसको ना जी, इसकी बदबू आती है और कोई मतलब कि सुनवाई नहीं होती। हाल है जी, शहर में सबसे गंदा शहर है यहाँ का मंडी का, ये शहर 26 सेक्टर जो है ना, इतना बुरा हाल है मतलब कोई आ नहीं सकता, मतलब इतनी गंदगी रहती है, इतनी गंदगी रहती है। दुकानदार का जीवन नरक है जी यहाँ पर, दुकानदार का कुछ जीवन नहीं है यहाँ पर। इससे बेहतर तो कोई एक कॉलोनी में रह जाए ना, वही एक बेटर है। चंडीगढ़ में रहने के बाद इतनी गंदगी है यहाँ पर, सारे शहर की गंदगी इकट्ठी होकर के यहाँ पर गिर रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड बना दिया हमारी लाइन को यहाँ पर, सवेरे सारी सब्जी मंडी का कूड़ा यहाँ पर गिराते हैं, फिर अगले दिन मशीन आती है वो उसको उठाकर ले जाती है, लेकिन सारा गटर का पानी बाहर आने की वजह से पैदल भी नहीं चल सकता कोई, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है, बदतर ज़िंदगी है हमारे। 17 नंबर से लेकर 30 नंबर तक पूरा इतना पानी आया था, बदबू मार रहे थे, नाले बैग मार रहे थे, किसी ने कोई सुनाई नहीं की। ये कूड़े के ढेर तो बदबू तो अब भी आ रही है, क्या बात, सफाई नहीं, इसको बोले सफाई हो ही नहीं रही है। पालने हैं ना, जैसे मर्जी पाले, हमारे को कौन तनख्वाह दे देगा, कौन, हमारा प्राइवेट बिजनेस है, हमारे को तो आना पड़ेगा मंडी, लेकिन इनको भी स्वच्छ करना चाहिए ना जी। सर आप सही कह रहे हो, हमारी मंडी में हर जगह गंदा कूड़ा करकट, सीवरेज का पानी सरेआम लीक हो रहा है। इनफैक्ट हम कई बार कमेटी सेंटर और एडमिनिस्ट्रेशन में होकर आए हैं, बट वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है। हमारी व्यापारियों ने एक चुपता दिखाते हुए भी काफी एफर्ट मारे हैं, बट वो कहीं कामयाब होते दिखे नहीं हमें। कई बार दुकानदारा ते लोका वालों सफाई नू लेके शिकायतां भी कीतियां जा चुकियां हन, पर साडे अधिकारी जेकर गल सामने आउंदी है उसदी एसी कमरी फिर बाजार विच पए गंदगी दे ढेर वेखदा है। गंदगी अते बदबू कारण मंडी दा बुरा हाल है, इस दे नाल ही मंडी च सीवरेज दी समस्या वधदी जा रही है। सीवरेज सड़कां ते खड़ा है जिस कारण इत्थी लंघण वाले लोगों नू इत्थों लंघना मुश्किल हो रहा है। मेरी एरिया मैं तो साफ करता हूँ, ये देखो इधर तो साफ किया हूँ, अब इतना मशीन तो मेरे पास है नहीं कि मैं भर लूँ उसमें। सर यहाँ कूड़ा जो चकड़े वाले आते हैं वो ढंग से साफ ही नहीं करते, यहाँ देखो कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, खड़े नहीं हो सकते आप 5 मिनट के लिए। तुहानू दस दिए कि यह चंडीगढ़ की सब तो वड्डी सब्जी मंडी है जो कि मार्केट कमेटी अते प्रशासन दे अधीन आउंदी है, पर इन्हां दिनां विच इस मंडी का कोई वारस नहीं है अते इस सब लई प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार हैं। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।